to see the numerical of our next topic, and our next topic it is bent of factor in abnormal polar masses. Okay, theoretical हम लोगों ने इसको समझ लिया है कि क्या होता है bent of factor, कैसे होते हैं abnormal molecular masses. Okay, अब इसी के ऊपर हमको क्या आ जाते हैं numericals. ओके एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, द चिल्ड्रन दोज आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर बोर्ड्स, ये टॉपिक जो है आपका ये जो मार्कस में करवा रही हूँ टॉपिक जो है आपके बोर्ड सिलेबस से रिमूव हो चुका है. ओके बट सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो हम लोगों को ये डेफिनेटली देखना ही होगा. ओके चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों इसमें. सो बेल्ट ऑफ फैक्टर इन एबनॉर्मल मोलर मासेस क्वेश्चन आई विल सेंड यू, सॉल्यूशन आल्सो आई विल सेंड यू, एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन वीडियो आई एम सेंडिंग यू. ओके सो हियर अगेन चिल्ड्रन, चलिए पहला है हमारा क्वेश्चन. आपके पास है शुगर मॉलिक्यूल है और इन्होंने पूछा है ये शुगर मॉलिक्यूल का नेचर क्या होगा, मतलब ये एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा. तो जो मैंने आपको सिखाया था कि एसोसिएशन में आई की वैल्यू लेस देन वन है, डिसोसिएशन में आई की वैल्यू मोर देन वन है, और नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन में आई की वैल्यू एग्जैक्टली वन होती है. तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें आपको मोलारिटी दे रखी है, आपको दे रखा है 0.1 मोल इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब मोलारिटी 0.1 मिलेगी. ओके डेल्टीएफ हो जाएगा आपका 273 माइनस 272.814 दैट इज 0.816. ओके केएफ हो जाएगा 1.86. यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला लगा देंगे डेल्टीएफ इक्वल्स टू आई इंटू केएफ इंटू एम, यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, दैट विल बी डेल्टीएफ अपॉन केएफ इंटू एम 0.186 डिवाइडेड बाय 1.86 इंटू 0.1 दैट इज 1. सो आई की वैल्यू यहाँ पर 1 आई है, इसीलिए बच्चों नो एसोसिएशन एंड नो डिसोसिएशन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, ना कोई एसोसिएशन होगा ना कोई डिसोसिएशन होगा. ओके नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा जहाँ पर आपको दे रखा है डेल्टीएफ की वैल्यू दे रखी है 0.372 डिग्री सेल्सियस, मोलारिटी है 0.1, केएफ दे रखा है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल. ओके अगेन यहाँ पर नेचर ही हमसे पूछा है तो डेल्टीएफ इक्वल्स टू आई इंटू केएफ इंटू एम और आई इज इक्वल टू डेल्टीएफ अपॉन केएफ इंटू एम 0.372 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 0.186 सॉरी 1.86. ओके इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आई की वैल्यू जो है वो 2 आएगी, तो यहाँ पर आई की वैल्यू जब मोर देन 1 होती है तो यहाँ पर सिंपल सा आपको लिखेंगे सॉल्यूट अंडरगोस डिसोसिएशन, मतलब सॉल्यूट का क्या होगा डिसोसिएशन होगा, सॉल्यूट अंडरगोस डिसोसिएशन. ओके सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड हियर. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड से आपको दो चीजें पूछी है कि इनमें से किसका मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट है और किसका मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट है, ये चीज पूछी है. तो बच्चों देखो हम लोग जानते हैं क्या कि डेल्टीएफ होता है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ओके दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is a qualitative property that is directly proportional to number of solute particles. Okay? देखो बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग देखें ग्लूकोज तो ग्लूकोज जो है ग्लूकोज में no dissociation, ओके कोई dissociation नहीं होता है. ओके और अगर हम लोग बात करें BaCl2 के लिए तो वहाँ पर dissociation होकर मिलता है Ba+2 एंड 2Cl-, मतलब टोटल 3 molecules आपको मिलते हैं. तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो डेल्टीएफ है ये ज्यादा है किसके लिए, मैक्सिमम है BaCl2 के लिए, और ये जो डेल्टीएफ है ये मिनिमम किसके लिए है, ये मिनिमम है ग्लूकोज के लिए, है ना. ये तो डेल्टीएफ हो गया, लेकिन अगर हम लोग बात करें फ्रीजिंग पॉइंट की तो जो फ्रीजिंग पॉइंट जिसका लोअरिंग ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली कम होता है. तो टीएफ जो है वो मिनिमम है किसके लिए, BaCl2 के लिए, और मैक्सिमम होगा किसके लिए ग्लूकोज के लिए. ओके
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने देखा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है हमारे पास में डब्ल्यू बी है निकालने को हम उनको, डब्ल्यू ए है 100 ग्राम, डेल डी एफ है 2, एम डी है 58.5, के एफ है 1.86 केल्विन पर मोल, और यहाँ पर क्योंकि एन ए सी एल है बच्चे तो एन ए सी एल आपका दो में टूटता है, एन ए प्लस और सी एल माइनस, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू होगी डिसोसिएशन के बाद 2 और डिसोसिएशन के पहले 1, तो 2/1 मतलब आई की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी यहाँ पर। ओके सो यहाँ से फॉर्मूला है हमारे पास में डेल डी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम। ओके डेल डी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ डब्ल्यू बी एम बी डब्ल्यू ए 1000। ओके यहीं से हम डब्ल्यू बी की वैल्यू निकालेंगे तो डेट विल बी डेल डी एफ इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन आई इंटू के एफ इंटू 1000, तो डब्ल्यू बी हो जाएगा हमारा 2 इंटू 58.5 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू 1.86 इंटू 1000 का माप होगी 3.147 ग्राम, ये डब्ल्यू बी की वैल्यू निकल जाएगी। ओके सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ वी हैव डन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमको दे रखा है नॉर्मलिटी दे रखी है, एन की वैल्यू है डेसी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल मतलब कि 1/10, पाई जो है वो है 4.6, अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है हमको निकालना है। ओके अल्फा निकालना है, आर की वैल्यू है 0.082 और टेम्परेचर है 300 केल्विन, सो पाई हो जाएगा पाई इक्वल्स टू आई सी आर टी। ओके चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले आई निकाले तो पाई अपॉन सी आर टी हम लोग करेंगे, सो ये आई इक्वल्स टू हो जाएगा 4.6 अपॉन 1/10 इंटू 0.082 इंटू 300, तो ये आई कैलकुलेट करेंगे आएगा 1.869। ओके तो अल्फा जो है वो अगर हम लोग यूज कर रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में ये जो अल्फा है इसकी वैल्यू होती है आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। ओके जहाँ पर एन जो है क्योंकि यहाँ पर क्या है ये एन ए सी एल है, तो एन ए सी एल जो टूटने के बाद ज्यादा होगा, मैंने आपको बताया था कि एन ए एन की वैल्यू क्या होगी हमेशा ज्यादा आना, तो कोई सा भी मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होता है तो उसमें डिसोसिएशन होने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं, तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी और आई की वैल्यू हम निकाल कर आए हैं, तो हो जाएगा 1.869 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 कम आउट टू बी 0.87। ओके सो डेट विल बी योर आंसर। तो यहाँ पर हम लोगों ने निकाला क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 500 ml, आप इसी को 500 ग्राम कंसिडर कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको डेंसिटी नहीं दी है, जब डेंसिटी नहीं दी हो तो डेंसिटी को 1 ग्राम पर एमएल कंसिडर कर लिया जाता है, तो 500 ml को ही हम लोग 500 ग्राम ले रहे हैं और केएफ हो जाएगा हमारा 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके सो ये हो जाएगा डेल टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू केएफ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए 1000 आई इक्वल्स टू डेल टी एफ इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 आई इक्वल्स टू 0.168 इंटू 208.4 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 1.86 इंटू 5.21 इंटू 1000। ओके आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट टू बी 1.806 एंड दैट विल बी योर
answer children. Okay, so we have completed question number 6 also. Now come to question number 7. क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पाई आपको निकालना है. WP आपको दिया है 2.5 × 10⁻². ओके, वॉल्यूम दे रखा है 2 लीटर, टेम्परेचर है 298 केल्विन. ओके, आर हो जाएगा 0.0821. और क्योंकि ये K2SO4 है बच्चों, तो K2SO4 टूटता है 2K+ और SO4−2 में, तो आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/1, मतलब टोटल आ जाएगी वैल्यू हमारी आई की 3. बस यही सारी वैल्यू को हमको पुट अप करना है. अच्छा, इसमें क्या मिसिंग है? आई थिंक हाँ, इसमें एम बी मिसिंग है, तो एम बी हो जाएगा हमारा 174 ग्राम पर मोल. ओके चलिए, तो यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग पाई इक्वल्स टू आई डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी आर टी. ओके चलिए, तो ये पाई इक्वल्स टू आई 3 डब्ल्यू बी 2.5 × 10⁻²− 2 इंटू 0.0821 इंटू 298 डिवाइडेड बाय 174 इंटू 2. पाई ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे कम आउट टू 52.7 × 10⁻³−3 एटीएम. ओके, that will be your answer over here children. So till now we have completed oral question number 7. Now next question we have to see question number 8 now. Okay, so this is question number 7 we have solved children. Now come to question number 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 है. क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे दो चीजें पूछी है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या होगा और वेंटोव फैक्टर क्या होगा. ओके चलिए, सो डब्ल्यू बी आपको दे रखा है 3.9 ग्राम, डब्ल्यू ए है 49, एम बी इज जो बेस के लिए एम बी होता है 122 है ना, एंजाइम एसिड के लिए. आई की वैल्यू निकाली है, ए दे रखा है 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल और डेल्टीएफ है 1.62. तो जो डेल्टीएफ इक्वल्स टू आई इनटू केएफ डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डब्ल्यू ए 1000 1.62 आई इनटू 4.9 इनटू 3.9 इनटू 1000 49 इनटू 122 1.62 आई इनटू 3.196. सो आई इक्वल्स टू आ जाएगा 0.506. इसका मतलब वेंटोव फैक्टर इज 0.506 और अगर आई की वैल्यू लेस देन 1 है मतलब मॉलिक्यूल विल अंडरगो एसोसिएशन, है ना, एसोसिएशन होगा यहाँ पर मॉलिक्यूल का. सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 8 हियर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 है जहाँ आपको मोलारिटी दे रखी है 0.01, डेल्टीएफ है 0 − −0.062 या जाएगा 0.062 ओनली. ओके, परसेंटेज अल्फा आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस बार पूछा है. केएफ की वैल्यू है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल. ओके चलिए, तो यहाँ पर आपको अल्फा निकालना है लेकिन अल्फा के पहले आई निकालना होगा. ठीक है, सो वी हैव फॉर्मूला डेल्टीएफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू एम. ओके, मोलारिटी इज गिवन, तो हमको पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है. तो आई हो जाएगा हमारा डेल्टीएफ के एफ इंटू एम. सो आई हो जाएगा हमारा कितना 0.062 डिवाइडेड बाय 1.86 इंटू 0.01 हम आपको भी 3.33. ओके नाउ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, अल्फा हो जाएगा हमारा आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन. यहाँ पर एन क्योंकि मॉलिक्यूल क्या है K3Fe(CN6) है, तो देखना बच्चों ये कैसे टूटता है, ये टूटेगा 3K+ में और Fe
Cl6 माइनस थ्री में मतलब टोटल n की वैल्यू 4 हो जाएगी डिसोसिएट होने के बाद में, तो ये हो जाएगा 3.33 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1। ओके सो कम आपको भी जो अल्फा आएगा वो आएगा 77 इंटू 100 कर दीजिएगा परसेंटेज निकालने के लिए, तो आएगा 77.7%। ओके सो डेट विल बी योर आंसर चिल्ड्रन। सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड टोटल क्वेश्चन 9। Now come to question number 10. Okay, so question 10 is, हमको दे रखा है question 10 में जो WB है, that is 2 into 10 to the power minus 2 kg. Okay, WA है 1 kg. Delta F दे रखा है 0.69 Kelvin. MB है phenol ऐसे 94. Okay, KF है 5.12 Kelvin. किलोग्राम पर मोल। ओके यहाँ पर आपको निकालना है वही डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इस बार एसोसिएशन नहीं है एसोसिएशन है, तो वही कुछ भी अल्फा निकालना है तो आपको आई निकालना ही पड़ेगा। ओके तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा एफ इक्वल्स टू आई इनटू के एफ इनटू एम। ओके तो यहाँ पर हो जाएगा 0.69 आई इनटू 5.12 WB MB WA 1000 0.69 I into 5.12 into WB है 2 into 10 to the power minus 2 1000 divided by 94 into 1 kg I यहाँ से जो आएगा वो जो I की वैल्यू निकलेगी 0.633। ओके अब अल्फा इस बार जो है वो है हमारा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो है क्योंकि मॉलिक्यूल आपका डाइमर बना रहा है, डाइमर बना रहा है मतलब कि दो फिनॉल जो है वो जुड़कर एक फिनॉल बना रहे हैं। ओके तो यहाँ पे एन की वैल्यू 2 आ जाएगी क्योंकि दो जुड़कर एक बना रहे हैं, तो इसमें जुड़ने की पहले वाला आपको फिगर लेना होगा। ओके सो हियर अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस आई एन अपॉन एन माइनस 1, सो अल्फा हो जाएगा 1 माइनस 0.633 डिवाइडेड बाय 2 बाय मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय 1, ये आ जाएगा अल्फा इक्वल्स टू 0.734, तो ये आ जाएगा हमारा अल्फा जो है वो हो जाएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन। सो चिल्ड्रन टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड टोटल 10 क्वेश्चन ओवर हियर इन दिस वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे इसके आगे के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन क्योंकि टोटल 20 क्वेश्चन आ गया है। ओके आपको सॉल्यूशन की पिक आपको क्वेश्चन की पिक जो है वो आपके ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। सो ये हम लोगों ने कंप्लीट किया चिल्ड्रन, अगले जो टेन हमारे के लिए वी आर गोइंग टू सी इन अवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।